हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी को। तो दोस्तों, मैं कल भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, तो क्योंकि हम लोग दोनों एक ही मोबाइल से बनाते हैं ना, इसीलिए तो मैं सोचा है कल थोड़ा रेस्ट कर लूँ। तो आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और रात को जो 4 बजे बारिश दिया था, तो लोग देख सकते हैं ना, धूप है ना बारिश है, बस बादल काला काला है। तो आज ऐसे भी क्या बोलता है उसको, अमावस्या है ना, सही बोलता है ना, अमावस्या 2 तारीख है, तो इसलिए शायद ऐसा कुछ ऐसा संद्रा गुरान ना सुसो गुरान होगा, पता नहीं चला मुझे, तो देखना पड़ेगा मोबाइल में, तो शायद इसीलिए ऐसा किया होगा। तो हम लोग का घर तो बन रहा, बहुत ज़्यादा सुंदर हुआ घर, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़्यादा प्यारा घर हो गया है। तो बेरा भी लगा दिया है बेम्बू का, और देखो पीछे का साइड में भी बना दिया है बेरा, और आगे का साइड में भी, और इस साइड में भी, और यहाँ पे ना सामान रखने के लिए ऐसे ही जगह बना दिया है पापा ने। तो यहाँ पे फिर से एक तो बेरा देना पड़ेगा, और उसका बट वो क्या बोलता है उसको शर्ट बनेगा, अभी तो बस आधा ही बन चुका है शर्ट। और यहाँ पे मैंने सुबह सुबह मछली खरीद के रखा है, देखो मक्की भी आ गया है, अभी तक साफ भी नहीं किया है, थोड़ी देर में साफ कर लूँगी, बस यहाँ पे ठंडा पानी डाल के रख दिया है मक्की। तो यहाँ पे बन रहा है बेरा, सबसे पहले तो बेम्बू को फाड़ा जाता है, उसके बाद फाड़ने के बाद इस तरह बनाते हैं, ये देखो पूरा टाइट हो गया, शुरू में इतना टाइट नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बोलते ना बीट, ये बीट मार के पूरा टाइट हो गया है। फिर ये पीछे का साइड का बाकी है, यहाँ पे दोनों काम लगातार कर रहे हैं। हम लोग का घर बहुत ही ज़रा जल बनने वाला है गाइस, और देखो यहाँ पे देखो टूटा फूटा बेम्बू क्या क्या है, और इस साइड में एक तो बनेगा, इस साइड में इधर एक तो बनेगा, यहाँ पे मैं बस चूल्हा बनाऊंगी। ये वाला जो है ना, ये हम लोग यूज़ नहीं करते, ऐसे ही रखा हुआ है, गवर्नमेंट ने बना दिया है, स्कूल वगैरह और इसे टॉयलेट भी बना दिया है ना, तो ऐसे ही है। दरवाज़ा एक तो था, मम्मी का गाय ने पूरा टूटा के लेके गया, तो इसीलिए ऐसा ही रहता है, हम लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि घर का सामने रहता है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे हम लोग एक तो बनाएंगे, फिर से किचन होगा, तो ये इतना तक आएगा ये किचन, इधर तक आएगा, पर चूल्हा बर्तन वगैरह वो सब खाना बनाने के लिए, इसमें तो हम लोग खाना खाएंगे। और यहाँ पे आ रहा है पिचोली नुंडू, तो आजकल कभी कभी आती है, इतना पहले तो रोज़ आती थी, तो आजकल क्या हो गया पता नहीं, कभी कभी आता है। तो चाचा जी को मैंने पैसा नहीं दिया था, तो अभी बिल्कुल दे रहा है पैसा, हो गया मछली 100 है ना, आधा किलो लिया था, ठीक हुआ, सुत्ता मिल गया। हाँ, और देखो नंदू लोग भी आ गया है ना, नंदू आज स्कूल नहीं है ना, आज क्या है बताओ, पता नहीं ऐसे ही छुट्टी दे दिया। हाँ, पैसा इसको पिछले को पैसा दो ना, 100 रुपया 100 रुपया नहीं, 40 रुपया तो मिस्त्री को वो चाय पिलाने के लिए ना, बिस्कुट ताकि छुट्टा और आए, वो छुट्टा बड़ा दे दो ना, छुट्टा काम में आता है। जाओ तुम, तब तो तुम दुकान में जाओ ना, बिस्कुट दिखा लेना ना इसको। और गाइस यहाँ पे बिस्कुट का पैकेट, दूध पैकेट नंदू पिचलू को भेजा था, लेकिन उन लोग को मिला ही नहीं है। और यहाँ पे अचार ऐसे, ये ना पूनम दीदी ने ही भेजा है, कौन सा अचार होगा, पूनम ब्लॉक्स ने भेजा है। ओ मम्मी रे खुल जा सिम सिम, ये देखो दोस्तों यहाँ पे भेज दिया, वाह इतना मिर्ची भाई, थोड़ा खोल के देखो ना, एक बार खोलो तो, मैं टेस्टिंग करके भेजा, मैं भी करूँगी अभी, वाह थोड़ा सा कर लूँगी, थोड़ा सा, इतना मिर्ची, ये कौन सा मिर्ची है, किंग चिली तो नहीं है, किंग चिली है, बारे बार चिकन का है ना, मिर्ची मैं खाऊंगी ना अभी, तू खा नहीं पाओगे इतना, क्या वो फ्राई किया था ना, मैं खा के देखती हूँ, नहीं हुआ था मम्मी,
मैं खा नहीं पाऊंगी, माफ करना दीदी, मैं खा नहीं पाऊंगी। मेरे लिए बेस्ट है, बेस्ट फॉर मी। सुबह सुबह मौसम का हमने तारीफ कर दिया था, देखो फिर से खतरनाक वाला धूप निकल के आ चुका है, लेकिन आसमान पूरा साफ है ना। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, मछली बनाऊंगी गैस। मछली साग तो बना के रख दिया है, यहाँ पे है साग, ये वाला साग ना वो लाई पत्ता का है, जो बड़ा बड़ा नहीं होता है वही है, बहुत टेस्टी है। आसमान इतना सुंदर लग रहा है, ऊपर से हवा भी बह रहा है, मजा आ रहा है गाइस, मजा 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 मजा। और हम लोग का मिस्त्री बाबू लोग चला गया है खाना खाने के लिए, बोला था इसलिए मछली मैंने खरीद के रखा था, लेकिन उन लोग ना दादी का घर पे खाना खाएगा बोला है। देखो इतना अच्छा लग रहा है ना हम लोग का घर, वाह 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 वाह। और गैस हम लोग का घर पे आया है नंदू, ना नंदू मेहमान, देखो इसको भी मछली दे दिया और मैं भी मछली ले लिया और पति देव को भी दे दिया है। और यहाँ पे साग है और यहाँ पे फोनिंग ब्लॉक्स ने भेजा था चिकन का अचार, इतना ज़्यादा मिर्ची 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 मत पूछो, मैं तो नहीं खाऊंगी गैस क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखा है, मेरे लिए ठीक नहीं है इतना ज़्यादा तीखा खाना ना, इसको ही पसंद है तीखा, लेकिन मैं नहीं खा पाऊंगी इतना ज़्यादा। ओ इधर भी मत रखो क्योंकि फैन का हवा आ रहा है, आँख में घुस सकता है, कोई भरोसा नहीं है ना। खाओ नंदू, तुम्हें भी खाना है, मत खाओ तुम इतना, वो है ना तीखा है, जाल है साग, जाल है ना, टेस्ट करके देखा था ना, खा के देखा था, ये तो पूरा मिर्ची ही खा रहा था ना, फिर मना कर दिया। देखो इसको लगता है नमक कम हो गया, फिर से नमक डाल रहा है ना। नहीं नहीं इसका वो टीका फोन से मिटाने के लिए, ऐसा होता है क्या? वो भी डालो ना नींबू का रस, बात में डालेगा, बात में पहले तो सामने खाने से भी डर लग रहा है हमको, मैं अभी खाना खा लेती हूँ। अच्छा खासा धूप दे रहा है, अभी खाना खाने के बाद जाऊंगी मैं कपड़ा धोने के लिए, बहुत दिन हो गया कपड़ा नहीं धुला रहा है क्योंकि बारिश 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 हो रहा है ना, तो आज धूप दे रहा है अच्छा खासा धूप, तो कपड़ा ही वॉश कर लूँगी, पूरा बेडशीट भी गंदा हो गया और पहनने के लिए कपड़ा भी गंदा हो गया है, तो अभी वॉश कर लेती हूँ हम लोग का ट्यूबवेल में। कपड़ा धोने के बाद यहाँ पे दे दिया है धूप में सुखाने के लिए, लेकिन धूप भी नहीं थी के कारण धूप नहीं मिलता है, और इस साइड में भी दे दिया पूरा लाइन करके दे दिया है, ये पेड़ को थोड़ा कटना पड़ेगा, तो ये पता नहीं कौन सा पेड़ है, ये मैं छोटा भाई ने ही लगाया है, उस साइड में पूरा कपड़ा दे दिया है, इस साइड में भी इतना सारा कपड़ा जमा हो गया है ना, पूरा थक गया है, तो अभी थोड़ा रेस्ट वगैरह कर लेते हैं, फिर धूप में वो दान देना पड़ेगा, चावल खत्म हो गया हम लोग का। यहाँ पे तीनों पूरा आराम से पूरा बैठ के वो कर रहा है, मूवी देख रहा है, और कुत्ता मेरा आवाज सुन के इतना जोरों से दौड़ने लगा है, इस तरफ भाग गया है उस तरफ, वो अभी भी भाग रहा है वो, देखो। और यहाँ पे बन रहा है हम लोग का घर, अया इसमें लग गया मेरा हाथ, अभी तो बेरा हो गया है चारों तरफ, पीछे का साइड में भी हो गया है और आगे का साइड में भी हो गया है, अभी बाकी है सर और इसमें एक तो बेरा है उसमें एक तो बेरा, तो अभी घर के ऊपर छर के आप लोगों को दिखाते हैं हम, ये है हम लोग का लोहा का सीरी, लोहा सीरी हम लोग ये सीरी को ना सांगू बोलते हैं। यहाँ पे देखो इधर पीछे का साइड में भी बन गया है और आगे का साइड में भी, और इस तरफ भी इस तरफ भी, बाकी है ये वाला शर्ट, और इतना तक तो बन गया है शर्ट भी, अभी ये कचरा बछरा ये सब घर बनने के बाद ये होगा मेरा काम, इसको साफ सफाई करना, जा पोछा लगाना जोरों जोरों से क्योंकि ये गंदा ना, अगर पोछा नहीं इसको ब्रश जो कपड़ा धोते हैं ना उसी ब्रश से मैं किस किस के साफ करूँगी, क्योंकि इतना अच्छे से साफ नहीं हो पाएगा ना, वो क्या बोलता है, अब पोछा लगाते ना उसमें कपड़ा से
पोछा लगाने से साफ नहीं होगा, इसलिए ब्रश से ही पूरा क्या बोलते सरफ का पानी से ही धुलाना पड़ेगा तभी साफ होगा। ये देखो इस साइड का, इसमें तो सामान वगैरह रखूँगी मैं, और आगे का साइड में भी बनेगा, इसमें सुबह हमने बता दिया है। अभी अच्छा लग रहा है ना, तब अच्छे से बन जाएगा ना, फिर और एक तो वीडियो बनाएंगे, होम टूर करके वीडियो बनाएंगे, अच्छे से बन जाएगा। मैं सामान को अच्छे से सेट करके रखूँगी, जो अंदर का सामान होता है हम लोग का, तो यहाँ पे रख दूँगी। और यहाँ पे मार रहा है बीट, ताकि ये जो बेरा है पूरा स्ट्रांग हो जाए। तो यहाँ पे एक तो खिली मार दिया है, अभी इसमें एक तो मारना पड़ेगा, फिर उस टाइप पे। तो गैस हम लोग का घर ये शायद का भी बन गया है, और वहाँ पे मैं कुछ कपड़ा वगैरह लगाऊंगी, ताकि जो अंदर में सामान वगैरह होगा वो लोग ना देख पाए। और शायद में तो पूरा बन गया, पीछे का शायद में बना रहा है, इतना अच्छे से मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, तो भीतर का वीडियो में देख लेना आप लोग। तो मेरा तो बस थोड़ा थोड़ा ही, जब अच्छे से बन जाएगा मैं एक तो होम टूर बनाऊँगी। और देखो इस साइड में मैं कुछ सामान वगैरह रखूँगी, इसमें तो हम लोग खाना वगैरह ही खा लेंगे। तो हम लोग पहुँच गया है हम लोग का सुंदर जगह में ना, यहाँ पे आने से हम लोग का मन खुश हो जाता है। और यहाँ से हम लोग लेके जाएंगे तुर्की ब्रिज, ये भी तोड़ लो ना, पेटल हक दी हक, यहाँ पे भी है, ये भी आ चुकी है नंदू। ओ तुर्की ब्रिज आया था भाई, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, थोड़ा तो देख रही हूँ, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा थोड़ा आया, जंगल है। कैमरामैन जल्दी पकड़ करो, नंदू तुम तुर्की भी खाते हो? ना नहीं खाते हो? खाती है। कहाँ गई है? इधर ही है। क्या ढूंढ रही हो नंदू? तो क्या ढूंढने आई हो? सब्जी ढूंढने। क्या 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 सब्जी? तीन साल। और पता नहीं, तुर्की बेरी बोलता है ना, बेगल बीज बोलते हैं हम लोग। हाँ चलो मैं दीदी को ढूंढने। चलो बात पड़ेगा सपन को पानी। वाह मौसम का पानी। वाह फिर से उतर के मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ घर के लिए, ये क्या बोलता है बीट, हाँ बीट लेके जा रही हूँ। और
साथ मिला है, किचली को दे दिया है ना। वाह, यहाँ का जो नजारा इतना ज्यादा सुंदर है ना नंदू, पूरा सुंदर। ऊपर से मैं थक गई हूँ, पसीना निकल गया है, तो अभी शाम भी हो रहा है, तो अभी चलते हैं घर पे। खाना भी बनाना है और नहाना भी है और थाली वगैरह भी धोना बाकी है। अभी 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 मैंने वीडियो एडिटिंग करके कर रही थी तो इसका गाना सुना, इतना सुंदर से गाया है नंदू गाना ना, ये बहुत सुंदर से गाना गाती है ना नंदू। जाओ आगे आगे, पीछे में रह जाते हो, ये वाला लग जाएगा। ये बीट को लेके आया घर पे, ऐसे तैसे पहुंच गया, इतना भारी है, चार तो लेके आया, इतना ज्यादा भारी, पूरा लाल हो गया ये हिस्सा। और नंदू इतना अच्छा से गाना गाती है, आज मुझे पता चला है, इतना प्यारा गाना गाती है नंदू। बारिश होने वाला है। हाँ गाइस, बारिश होने वाला, देखो पूरा हवा भी दे रहा है। नंदू को भागना पड़ेगा। अच्छा, बारिश आने के लिए आ जा, देखो हवा भी दे रहा है। हम लोग का घर देखो, और गए हम लोग का घर कैसा है जरूर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना। नंदू कैसा लगा हम लोग का घर? अच्छा, अच्छा है ना। हाँ, इस साइड ना जो ये वाला रूम है, अभी घर पे जाके सॉरी छर के दिखाती हूँ। पिछली को इतना ज्यादा अच्छा लगा बोल रहा है, ये वो रहने के लिए रूम है बोल रहा है। संभाल के चलना नंदू। और देखो ये वाला रूम पिछली को अच्छा लगा बोल रहा है, ये रहने के लिए उसके लिए खापी है ऐसे बोल रहा है। है ना, मैं तो इसमें सामान वगैरह रखूंगी, और एक तो बक्सा रखूंगी भरा वाला ना, और इस साइड में तो बनेगा, इसमें मैं चूल्हा वगैरह नहीं बनाऊंगी। इतना सुंदर सा है घर तो क्यों चूल्हा बनाए ना, खराब नहीं करने गे। गाइस आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना, और हम लोग का घर भी कैसा है जरूर बताना गाइस, कि तो, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम घर बना रहे हैं, चाहे बेम्बू का हो लकड़ी का हो, लेकिन फर्स्ट टाइम है, वो भी मेहनत का कमाई से बना रहे हैं खुद का घर, और बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ, बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। तो ये घर बनाने के लिए तो पैसा काफ़ी सारा चाहिए, और पता नहीं पक्का घर बना पाएंगे या नहीं पाएंगे, लेकिन ये जो घर बनाया है हम लोग के लिए पूरा एक मंदिर है जैसे लगता है ना, बहुत कीमती कीमती का वो क्या बोलेंगे हम, सामान है, ये सामान ही बोलेंगे हम लोग का घर को, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया फिर ये घर बना रहे हैं। और कपड़ा वगैरह भी मैं पहनती हूँ सेकेंड है ना, फर्स्ट टाइम बता रही हूँ आप लोग को, मैं जब भी यहाँ से तेजू में जाती हूँ तो सेकेंड हैंड वाला कपड़ा ही लेके आती हूँ वो सब पहनने के लिए, तो इतना ज़्यादा वाला कपड़ा नहीं पहनती हूँ मैं भी। और बैतूल तो कभी कभार वो महंगा वाला भी ला देता है बैतूल, और मैं भी कभी कभार ऐसे 300 कितना 600 के ऊपर तो मैं कपड़ा नहीं पहनती हूँ, बस वो मेरा जो हम लोग का ट्रेडिशनल वाला ड्रेस है वही ज़्यादा महंगा है, क्योंकि वो तो सस्ते में नहीं मिलता है ना, महंगा ही है, तो इसीलिए महंगा करके भी लेना पड़ता है। अगर लड़की है मंदिर में जाते हैं, यहाँ पे शादी पार्टी में ऐसा कुछ फंक्शन वगैरह होता है, तो हम लोग का ड्रेस ही पहनना पड़ता है, इसीलिए अगर वो ड्रेस नहीं रहेगा तो मैं समाज में भी वो मिल नहीं पाऊँगी, इसीलिए महंगा या जो भी हो उसी से वो खरीदते हैं। बस वो जो घर में पहनती हूँ जैसे जींस वो टॉप ये कुछ कुछ होता है ना, वो सब मैं एक सेकेंड हैंड पहनती हूँ, जो बाज़ार में मिलता है वो पता नहीं सेकेंड है ना क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़्यादा महंगा वाला नहीं पहना है। लेकिन कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे बहुत सारा अच्छा वाला गिफ्ट दे दिया, महंगा महंगा वाला, तो बहुत सारा अच्छा अच्छा चीज़ भी दे दिया घर का सामान, तो ये सब आप लोगों की वजह से हम लोग घर बना लिया, और सामान वगैरह भी खरीद लिया, आप लोगों ने सामान भी दिया, क्योंकि ये भी खुद का मेहनत का फल है। और ना गैस वो भी है आप लोग की वजह से, आप लोग का इतना सपोर्ट किया इसकी वजह से भी हम लोग खुद का कमाई से घर बना रहे हैं, अगर आप लोग नहीं होते हम लोग वीडियो नहीं बनाते, ऐसे बोलेंगे आप लोग की वजह से भी और हम लोग की वजह से भी, अगर हम लोग वीडियो नहीं बनाते तो आप लोग कहाँ से देखता, अगर आप लोग नहीं देखता तो हम लोग कहाँ से पैसा मिलता ना, तो ये सब आप लोग की वजह से बोलेंगे, तो थैंक यू सो मच गाइस हम दोनों को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो ऐसा वाला घर तो कहाँ हम बना भी नहीं पाते, चाहे लकड़ी का हो बेम्बू का हो। आप लोग ये एक बात याद रखना, घर में बहुत सारा पैसा लगता है, हम लोग का देखो ये बेम्बू का लकड़ी का घर है फिर भी गया है 40-50 हज़ार तो जा ही रहा है, और साथ में ही बनाएंगे एक तो और भी चला जाएगा,
इसलिए आजकल हम इतना वो भी नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि इसमें ही पैसा लग जाता है ना, और मोबाइल का ज़रूरत भी है तो मोबाइल एक तो खरीदने के लिए भी सोच रहे हैं। और ऑलरेडी तो मेरा दोस्त ने पैसा दे दिया है 20,000, तो फिर से इकट्ठा करेंगे, आईफोन एक तो ले देंगे, और आईफोन भी वो लेगा बैतूल लेगा, उसमें ही दे देंगे पैसा, और इसका आईफोन हम ले लेंगे जो अभी वीडियो बना रहे हो ना, वही आईफोन हम ले लेंगे। तो आज का वीडियो को यही भी समाप्त करते हैं दोस्तों, बहुत सारा लंबा सवाल अभी हो गया है, आप लोग बोर मत हो जाना, अगर अच्छा लगा फिर से बोल देना अच्छा है, अगर नहीं लगा तब भी बोला कोई बात नहीं ना, कभी कभार ऐसा चलता है होता है। तो गुड नाइट, बाय बाय, लव यू गाइस।